Hey guys, welcome back. This is your boy Aman. So guys, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गांव. So इसलिए मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ और अभी हम लोग है ना पैकिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के लिए गांव जा रहे हैं और है ना हम गाइस 3 से 4 साल बाद गांव जा रहे हैं. और जब हम दादा दादी से बात करते थे ना फोन पे, तब हमें पता चलता था कि हाँ गाँव में बहुत सारी चेंजेस हुई है हमारे. सो वो देखने के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच्ची गाइस, क्या बताऊँ आपको. और मैं ये कितना खुश हूँ आपको दिख ही रहा होगा. भाई एक बात पूछो. हाँ पूछ. ये लहंगा चोली के ऊपर ये वाला दुपट्टा आ जाएगा? ऑब्वियसली गोल्डन कलर है तो आ ही जाएगा ना. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए पूरे फैमिली के साथ पूरे 3 दिन के लिए. यस, बहुत ही मजा आने वाला है ना. हाँ. और एक चीज मुझे बताओ. हाँ. तुम लोग ने कपड़े कब सिलवाए मुझे ये बताओ. अरे वो सब चीज है ना बॉयज को पता नहीं चलता है क्योंकि गर्ल्स पार्टी मिलकर ना कुछ भी कर सकती है. इस सब काम में ना मेरी मम्मी एकदम लीडर रहती है. हाँ. अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ. मेरी मम्मी जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे ना ये जो जीन्स है और ये जो टॉप है ना वो पहनकर जाने वाली है. मम्मी कितने सालों के बाद आप पहनने वाले हो, है ना. हाँ. मम्मी शर्मा रही है. और गाइस आप लोग ने कभी मम्मी को जीन्स और टॉप में नहीं देखा होगा. हाँ गाइस, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी मम्मी ना जीन्स टॉप में कैसी लगती है. एकदम पायल खुशबू की है ना बड़ी बहन लगती है. और हम भी है ना काफी दिनों के बाद है ना मम्मी को जीन्स टॉप में देखने वाले हैं. यस. सो फटाफट से आप पैक कर लो यार, बहुत सारा सामान पैक करना बाकी है. हाँ, और इतने सारे कपड़े लेके जाओगे तुम लोग सिर्फ शादी के लिए? वो तो छोड़ो, अभी ये सारे कपड़े भी ले जाना है. पायल. हाँ? सुनना. मेरी बात सुन ध्यान से. एक दो एक्स्ट्रा कपड़े जो है वो तू अपने लिए ले लेना, क्योंकि तू बहुत ही ड्रामा करती है कि मैं नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, मुझे दूसरा दो मुझे दूसरा दो. इसलिए मुझे पता है कि मैं ड्रामा करती हूँ थोड़ा सा कपड़ों के लेके. ये क्या हुआ, लाइट चली गई? ये लाइट चली गई. तू बोल बोल क्या बोल रही थी. हाँ, इसलिए ना मैंने पहले से कपड़े दो चार निकाल के रख दिए. दीदी दो क्यों लेगी, मैं भी दो एक और रखूंगी. नहीं नहीं देख, ऑलरेडी बैग जो है वो पूरा फुल हो चुका है, ये सिर्फ तुम लोग के शादी का कपड़ा है. और एक बात बताओ, पापा ने हमें पहले ही वार्निंग दी है कि ज्यादा बैग नहीं होनी चाहिए, जितने कपड़े पहनोगे उतने ही लेके जाना. हाँ, पर फिर भी हम लोग तो पापा की बात नहीं मानेंगे, हम लोग तो एक्स्ट्रा कपड़े लेंगे लेंगे लेंगे. मम्मी ने ना मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये दोनों के कपड़े जो है वो अच्छे से बैग में पैक करवा देना. सो वो मैंने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा ली है. अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता ना तो ये दोनों आपको पता ही ये क्या कर लेते. क्या करते भैया, झगड़ लेते और क्या. हाँ, झगड़ा ही कर लेते. सो इसलिए बिना झगड़ा करवाए मैंने इन लोग की पैकिंग जो है वो करवा दी है इस बैग के अंदर. हाँ, और अभी इस बैग में ना भैया बहुत सारी जगह है तो हम और भी कपड़े रख सकते हैं कुछ. नहीं 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 नहीं. और हमारी गाइस लाइट भी आ चुकी है. ये मेरी मम्मी ना फुल ऑन कंफ्यूज हो चुकी है, यहाँ पे देख ही सकते हो आप, बहुत ही परेशान है कि किसकी शादी में कौन सी साड़ी पहनूं, ये सोचने में बहुत ही परेशान हो गई है. लेकिन मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कपड़े ना सिलेक्ट करने में, क्योंकि मेरे पास गिन चुन के 5 शर्ट है 5 पैंट है, वही 5 शर्ट पैंट मैं लेकर जाने वाला हूँ. मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लाइफ में, लेकिन ये लड़कियों के जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम है ना पायल. होता है तो होता है, तेरे को क्या जाता है. चुपचाप जो मन करे ना वो पहनने का, दुनिया का नहीं सोचने का कि दुनिया इतना अच्छा पहन रहा है तो मैं भी अच्छा पहनूं. मेरी मम्मी के पास 1, 2, 3, 4, 5 और 2 उसमें साड़ियां नहीं है, मतलब 6-7 मम्मी के पास मेरी नई नई साड़ी है. फिर भी मेरी मम्मी ने ये वाला साड़ी जो है वो मुझसे नया खरीदवा लिया है. मम्मी आपने क्या बोला था, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है नया, लेकिन आपके पास 5-5 कपड़े नए नए हैं. मेरे पैसे आपने ऐसे ही खर्च करवा दिया ना मम्मी. अरे मुझे नया चाहिए था. नया चाहिए था ये बात तो सही है, जब नहीं होता है तब खरीदवाना चाहिए ना. आपके पास है फिर भी आपने खरीदवाया. ठीक है, अब नहीं खरीदवाऊंगी. आप साड़ियां मत खरीदना, आप पैसे मुझसे ले लेना और वो सेव करना. ठीक है. ठीक है ना. हाँ. फिर उससे आप जो मर्जी गोल्ड ले सकते हो, जो मर्जी वो ले सकते हो. साड़ी तो आप एक बार पहनोगे फिर आपके लिए तो वो है ना ओल्ड फैशन हो जाता है ना. हाँ. है ना. हाँ. क्योंकि आप हीरोइन हो. अच्छा. आप रिपीट नहीं करते कपड़े, इसलिए. नहीं करती हूँ. नहीं करते. देखो करती हूँ तभी तो ले जा रही हूँ ये सब. नहीं ये सब नए नए, झूठ मत बोला मम्मी. नए नए आज मैंने आपको पकड़ लिया, आपकी चोरी पकड़ी गई.
आपके साथ भी क्या ऐसा होता है क्या? आप सबकी पैकिंग तो कराते हो लेकिन अपनी खुद की पैकिंग में ही रह जाती है, सबसे लास्ट में आप अपनी पैकिंग करते हो। वही हाल जो है अभी मेरा जो है वो हुआ है। अब मैं फटाफट से अपनी पैकिंग जो है वो कर लेता हूँ। मम्मी पापा पायल खुशबू सबकी पैकिंग हो गई है, अब मेरी जब पैकिंग की बारी है ना तो कोई भी हेल्प कराने ना नहीं आ रहा है। सो मेरी पैकिंग मुझे खुद से ही करनी पड़ेगी। मम्मी की पैकिंग में मैंने सिर्फ इतना किया है, मम्मी को कबाड़ में से सामान निकाल निकाल के उनकी बैग में रखा है, क्योंकि है ना मम्मी ज्यादा है ना भाग दौड़ नहीं कर पा रही है आजकल, क्योंकि उनके पैरों में ना दर्द है। सो उसमें भी मेरा ना आधा टाइम चला गया है और मैं फाइनली अपनी पैकिंग जो है वो कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मॉल गया था जहां से मैंने ना ये वाली एक ब्लू कलर की और एक ये गाजरी कलर की और ये पता नहीं कौन से कलर की है ये और मेरी फेवरेट येलो कलर की मैंने ना फुल स्लीव टी शर्ट ली है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि गांव में ना ठंडी में बहुत ही ठंडी लगती है। ऑब्वियसली ठंडी में ठंड तो लगेगी ही ना। सो इसलिए पहले से ही मैं प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ कि वहां पे जाकर मुझे ना रोना ना पड़े कि मुझे फुल स्लीव्स की टी शर्ट चाहिए। कोई भी है ना अननोन ब्रांड जो मैं जानता नहीं हूँ उसके शूज पहन लू ना तो मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसा लगता है कि कम मैं ना शूज निकाल के ना फेंक दू। लेकिन मेरे को ना सबसे फेवरेट ना ये वाले शूज लगते हैं, ये वाले पता नहीं कौन से कंपनी के है। मैं हमेशा जाकर ना यही शूज लेकर आता हूँ। पहले मेरे पास ना ब्लैक कलर का था लेकिन वो है ना फट चुका है, इसलिए मैं नया वाला लेकर आ चुका हूँ और ये खरीद कर मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। ये ज्यादा महंगे नहीं है, 400-500 रुपए की ही है। रुको मैं बताता हूँ कितने का है, 400 रुपए का ही है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है। है ये मेरा है, लग नहीं रहा है ना मेरा है, नहीं, बड़ी साइज आ गई है ना इसलिए। ये किसका है? ये भी मेरा है। ये पता है कितने का स्वेटर है? 2000 का है। कुछ भी हाँ देने वाली भैया तेरे को, ये तो मैं ही पहनूंगी। नहीं ये 2000 का स्वेटर है और ये जब आया था तो अब तुम लोग घर पे नहीं थे लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसा बोल रही थी ऐसे स्वेटर तो मैं 200-300 में ला दूंगी। पहले सच सच बता ये पहनने के बाद तुझे गर्मी लग रही है कि नहीं? लग रही है क्योंकि है ना ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है ना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। ओके देखा मम्मी देखा, अच्छी पैसे दो तो अच्छी चीजें मिलेगी। मैंने सब कुछ तो रख लिया है मम्मी, सिर्फ मुझे बेल्ट चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। आपको पता है ना मेरी कमर कितनी बड़ी है, सारे पैंट मुझ में आसानी से आ जाते हैं। अरे देखो यही पर रखी थी सब सामान इकट्ठा करके। नहीं है मम्मी। अरे देखो ना ढूंढो बेटा। नहीं है, मैंने दो बार ढूंढा। मदद कर भैया। क्या मदद? हाँ प्लीज माफ कर दो मुझे, तेरे पास कितना भी सामान ला कर रख दो लेकिन तेरे को मिलता ही नहीं है। मिलता है खाली यही बोलेगा, मिलता ही नहीं है। फाइनली मैंने अपनी पैकिंग जो है वो कर ली है गांव जाने के लिए। अब से मैं ना 4-5 दिन पहले ही ना पैकिंग जो है वो कर लूंगा। अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो ऑन द स्पॉट एक दिन पहले नहीं करूंगा पैकिंग, क्योंकि है ना मेरा सर दर्द होने लगा है ये सोच सोच के कि कुछ छूट ना जाए। सब कुछ रख लिया है ना इसलिए। सो बस यही था बोलना तो मैंने बोल दिया आपको। थोड़ी देर में ना हम लोग गांव जाने के लिए ना निकलने वाले हैं, लेकिन गांव जाने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे ना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बैग्स हो चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतने सारे बैग्स हमारी गाड़ी में आएंगे कैसे। हाँ मतलब हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं और इतने सारे बैग्स पैक कर लिए हैं। चल झूठी, सोचा नहीं और फटाफट से कपड़े पर्सनल बैग में पैक कर रही थी, तब नहीं सोचना चाहिए था कि एक ही बैग में दोनों बहने ले ले। अरे यार पर हमारे जो लहंगे होते हैं ना वो थोड़े मोटे होते हैं तो इसके लिए जगह चाहिए होती है। ठीक है आपसे कोई नहीं जीत सकता, मुझे माफ कर दीजिए। खुशबू है ना बहुत ही मस्त सी एक कैप लेकर आई, ये देखिए जिसके कान ना ऊपर नीचे होते देखिए। हाँ इतना क्यूट लग रहा है। एक मिनट, ऐसे दबाने से होता है? हाँ मुझे भी करना है ये। हाँ हाँ देख ऐसे मैंने दबाया ऊपर हो गया, ये वाह 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 वाह। बोल इस कैप को पहनने में ना दो फायदे है। क्या? एक तो है ना हमारे कानों में हवा नहीं जाएगी। यस। और ऐसे ऐसे करके ना हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी कुछ भी। वाह रहने दे, तेरी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। हाँ। ये बोल रही है कानों में हवा जाएगी, कान तो छुप ही नहीं रहे, मस्त खेलने की चीज है और बोल रही है कानों में हवा नहीं जाएगी। यार ये सारी चीजें ना सिर्फ फैशन के लिए होती है। खुद मान रही है और फिर क्या गलत गलत बता रही है। खुशबू हाँ। तू नहीं सो सकती पीछे, देखा तूने? हाँ भैया मैंने देख लिया। अगर तुम लोग ने कम बैग्स लिए होते ना तो इतनी सी जगह बच जाती, लेकिन ज्यादा बैग्स हो चुके हैं ना तो नहीं सो पाओगे। भैया हमने ज्यादा बैग्स तो लिए नहीं है,
एक जन पे ना सिर्फ हमने एक ही बैग लिए, ठीक है तो पांच जन है तो पांच बैग तो होंगे ना। फिर भी ट्राई करना, अगर कुछ हो सके तो जगह बना लेना, ठीक है। और ऊपर से ना अभी ठंडी का सीजन है ना, तो हमें स्वेटर साल वो सब है ना सब लेके जाना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सही है। भैया मेरे पास एक आइडिया है। बोल। है ना खुशबू इस तरफ है ना सर रख लेगी और पैर तो कहीं भी रहेंगे तो चलेगा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय।